पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक बुधबाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न हुई, जिसमें 100 करोड़ टीकाकरण की सफलता की प्रशंसा की गई। मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने शपथ ली कि भविष्य में किसी भी महामारी के खिलाफ हमारे संगठन की आवश्यकता होगी तो हम सभी अपने राष्ट्र के लिए तन मन धन से तैयार रहेंगे। मासिक बैठक दीपावली हंगामा के रूप में मनाई गई। मंच संचालन करते हुए महासचिव तरुण मदान ने कहा कि हम सभी को इस दीपावली को इको दिवाली और ग्रीन दिवाली के रूप में मनाना चाहिए। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जितना कम हो सके उतना कम करें। चाइनीज सामान का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। हमें मिट्टी के दिए और स्वदेशी झालर, स्वदेशी मोमबत्ती का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी और गरीब भाइयों को भी रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप सिंह ने समाज को देने वाली सेवाओं के लिए मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की जमकर तारीफ की और सभी शहरवासियों से अनुरोध किया। जैसे मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन के सभी सदस्य कोरोना काल में जनता की मदद करती रही है, इसी प्रकार सभी लोगों को आगे आकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पीके गुप्ता ने बताया कि दीपावली के उपरांत होने वाले वायु प्रदूषण से क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। अंत में अध्यक्ष शिवेंद्र जैन ने दोनों अतिथियों का फूल मालाओं, बुके देकर, स्मृति चिन्ह देकर दोनों मुख्य अतिथियों का सम्मान किया। आप दोनों के द्वारा समाज की सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया। सभी से अपील की गई कि दिवाली पर लगने वाली छोटी छोटी दुकानों से खरीदारी करें, जिससे उनके घरों में भी दिवाली हो सके। आप सब लोगों के बीच आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू। ये तो मैं जानता हूँ कि सुरेश भाई मुझे बहुत मानते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत मानता हूँ। ये जो इमोशनल रिश्ते होते हैं, देखिए वो सबको पता चलते हैं। जब आप किसी को चाहते हैं दिल से, तो उसको एहसास हो जाता है कि आप दिल से चाह रहे हैं। वाइब्रेशंस जो है वहाँ तक पहुँचती। मैं इन्होंने जब बताया, क्योंकि ड्रीम फाउंडेशन का मैं अक्सर देखता रहता हूँ, कोरोना काल में भी मैंने देखा, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी, गरीबों तक खाना पहुँचाया, जिनके पास जो नहीं था वो आपने उन तक पहुँचाने का काम किया। ये बहुत ही ग्रेट काम था। वास्तव में इस तरीके की जब महामारी आती है, इस तरीके की समस्या देश के सामने आती है, तो कोई सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती। इसको समाज को आगे आना पड़ता है। हर समाज की जो सिविल सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, NGOs और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो इसी बात के लिए बनते हैं कि हम समाज में, जैसे हम दीपावली में दीपक जला के अंधेरा भगाते हैं, तो समाज में हम जहाँ रहें वहाँ अपनी जो अच्छाई की खुशबू है, जो अच्छाई की रोशनी है, उसको फैलाते रहें। ऐसे कितने उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने छोटी सी मदद करी और उस छोटी सी मदद में लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और कई बार तो और बड़े पदों तक वो पहुंचे। लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कई अवसरों पर इस बात की बात इसके बारे में भी बताते हैं। ऐसे ढेर सारे लोग हैं गढ़वाल में, हमारी जिंदगी में, हमारे आसपास, जो कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे किसी का सहारा मिला और उस सहारे ने मुझे रास्ता दिखाया। आज हमारे मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन की मासिक बैठक है। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद, करीब 6-7 महीने बाद आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं दिवाली हंगामा के रूप में। हम सब लोग शपथ लेंगे कि इको दिवाली, ग्रीन दिवाली के रूप में इसे मनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, चाइनीज़ झाला, चाइनीज़ लाइट और चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करें, ताकि वो पैसा हिंदुस्तान में ही रहे, हिंदुस्तान के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ पर समृद्धि आए। और हमने इस बार ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से बचने के लिए बहुत कार्य भी करेंगे और पैम्पलेट्स द्वारा लोगों को जागरूक भी करेंगे, और मीडिया द्वारा आप लोगों के द्वारा आप सबसे निवेदन करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण बचें, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी लोगों को ऑक्सीजन की। तो कृपया क्लाइमेट शांत रहे, साफ रहे, इसी के लिए सभी से फिर से एक बार निवेदन। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनूप सिंह क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा और डॉक्टर पीके गुप्ता साहब वरदान नर्सिंग होम के ऑनर, ये दोनों लोग आए हुए हैं। ये अपने क्षेत्र में जो सेवा इन्होंने करी है, जो योगदान दिया है समाज के लिए, उनके लिए इनके हमने सम्मानित किया है दोनों को। आप सभी के माध्यम से फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि इस दीपावली को ग्रीन और इको दिवाली के रूप में मनाएं। ध्वनि प्रदूषण,
वायु प्रदूषण ना करें, जो भी शगुन है उसके लिए करें थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा ना करें। और जैसे कि क्षेत्र अधिकारी अनुज सिंह साहब ने बताया कि जो खर्च करना है वो गरीब लोगों पे करो ताकि उनके घर में खुशी पहुँचे और उनकी वास्तव में उनकी दीपावली बन पाए। तो सभी से फिर से निवेदन, और आप सभी को फिर से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। मैं मुरादाबाद ड्रीम फाउंडेशन का महासचिव तरुण मदान पूरे समाज से और पूरे शहर को मैं आज दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का पर्व आने वाला है, लोग इस पर्व को बहुत ही शालीनता से, और रोशनी का त्यौहार है ये, रोशनी कर कर मनाएं। इसमें ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण ना करें तो बहुत बेहतर होगा। और गरीब लोगों से, जो गरीब लोग फड़ों पर दुकान सजाते हैं अपनी, उनसे सामान लें जिससे कि उनके घर में भी दिवाली मनाई जा सके और उनके घर भी दिए जलाए जा सकें। हमें चाइनीज़ सामान में भी नहीं खरीदना चाहिए, परहेज करना चाहिए। स्वदेशी सामानों को हमें खरीदना चाहिए जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और उन गरीब परिवारों में भी दिवाली मनाई जा सके। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।